हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन टू वॉच दिस चैनल बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इंट्रोडक्शन एंड ड्रग टारगेट इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर। मेन टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें, ओके। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मीन हमारी एवरीडे लाइफ, मीन हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हम कई बार बीमार हो जाते हैं, डिफरेंट डिजीज हो जाते हैं हमें, किस टाइप की हमें ड्रग लेनी चाहिए, किस टाइप की हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, किस टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस हम यूज़ करेंगे टू क्योर दिस डिजीज, ओके। सब इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, ओके। तो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड सॉप्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, डिटर्जेंट्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी है, सब हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं बेटा। तो वी डिस्कस ऑल दीज सब्सटेंसेस, अबाउट ऑल दीज सब्सटेंसेस व्हिच आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर व्हाट डू मीन बाय कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी क्या होगा बेटा? कीमोथेरेपी, कीमो वर्ड तो केमिस्ट्री से, केमिकल से रिलेटेड है बेटा। कीमोथेरेपी क्या हो सकता है? मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल्स, ओके, बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डील्स विद द treatment of disease by using suitable chemicals, by using suitable chemicals is called chemotherapy। इसको हम बेटा कीमोथेरेपी बोलेंगे। मीन केमिकल्स का यूज करके डिफरेंट डिजीज की ट्रीटमेंट करेंगे हम, इसको हम बेटा कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है भाई, व्हाट आर ड्रग्स एंड मेडिसिन। मेन पॉइंट पर आते हैं हम, व्हाट आर ड्रग्स एंड मेडिसिन, व्हाट आर ड्रग्स एंड मेडिसिन क्या होते हैं? देखो बेटा, मेन पॉइंट क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बेटा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन। वी कैन राइट ड्रग्स और मेडिसिन, कोई डिफरेंस नहीं है बेस्ड अपॉन केमिस्ट्री, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लॉज मेड बाय योर सोसाइटी, दीज ड्रग्स और मेडिसिन आर डिफरेंशिएटेड, इनको अलग अलग किया गया है ना। कई बार बोलते हैं कि इंसान ड्रग लेता है, कई बार वही ड्रग है जो मेडिसिन का काम भी कर जाती है। मीन सेम केमिकल सब्सटेंस एक्सेस ड्रग एज वेल एज मेडिसिन। तो सोसाइटी ने इनको बांटा हुआ है कि ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। तो हम बेस्ड अपॉन दैट वी कैन डिस्कस व्हाट डू मीन बाय ड्रग और मेडिसिन क्या होंगे, व्हाट आर द ड्रग्स एंड मेडिसिन क्या हो सकते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट डू मीन बाय मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है बेटा, व्हाट डू मीन बाय मेडिसिन? देखो मेडिसिन क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस है विच क्योर डिजीज, डिजीज को क्योर करेंगे, सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स, हम जो यूज करेंगे हमारे लिए सेफ होंगे लिविंग टिश्यूज के लिए, ओके, एंड नॉन एडिक्टिव नेचर, एडिक्शन पावर नहीं होगी उनके अंदर। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेडिसिंस बोल सकते हैं, ओके। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच क्योर डिजीज, द केमिकल सब्सटेंसेस विच क्योर डिजीज, डिजीज को क्योर करेंगे, डिजीज को क्योर करने के साथ साथ सेफ होंगे हमारी बॉडी के लिए एंड कोई टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक नेचर नहीं होगी। ए केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं, विच क्योर डिजीज इज सेफ, सेफ टू यूज
नॉन टॉक्सिक इन नेचर, नॉन टॉक्सिक और हैज नो टॉक्सिसिटी, नॉन टॉक्सिक इन नेचर, नेचर भी कैसी होगी, नॉन टॉक्सिक होगी मीन हमारे लिए पॉइजन का काम नहीं करेगा वो, नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी हम उसकी बोल सकते हैं बेटा, नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी होगी उसकी, ओके। एंड वी कैन से अब कोई मेडिसिन ले लेते हैं क्या उसका बार बार लेने का मन करता है हमें, नो मीन इट डज नॉट गिव एडिक्शन पावर, एडिक्शन पावर नहीं देगा हमारी बॉडी को, मीन डज नॉट कॉज एडिक्शन, नॉन टॉक्सिक और वी कैन से नेग्लिजिबल टॉक्सिक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल 100% नहीं होता, कई बार थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी होती है, नेग्लिजिबल टॉक्सिक इन नेचर, नेग्लिजिबल टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिसिटी नेग्लिजिबल होगी उसके अंदर बेटा, एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन, एडिक्शन क्रिएट नहीं करेगा, एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन, कोई एडिक्शन पावर नहीं होगी, इज कॉल्ड मेडिसिन, उसको मेडिसिन बोलेंगे। तो फिर ड्रग क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय ड्रग, है ना, ड्रग क्या होगा बेटा, ड्रग भी क्या केमिकल सब्सटेंस है, विच क्योर डिजीज, विच ऑल्सो क्योर डिजीज, डिजीज को क्योर करेगी, बट बेटा एडिक्टिव इन नेचर, नेचर कैसी होती है, एडिक्टिव होती है बेटा, एडिक्शन पावर होती है उसके अंदर, हैबिट फॉर्मिंग होती है ये, ओके, एंड सीरियस साइड इफेक्ट भी दे सकता है हमें, ओके। ड्रग क्या होगा, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which also cures disease, which also cures disease, disease को तो क्यों करेगा ये भी भाई, which also cures disease, and but is habit forming, disease तो क्यों करेगा but is हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मिंग होता बेटा, विच ऑल्सो क्योर्स डिजीज, क्योर्स डिजीज एंड इज हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मिंग होगा बेटा, हैबिट फॉर्मिंग होगा तो इसका मतलब गिव एडिक्शन पावर, एडिक्शन पावर होगी उसके अंदर, गिव्स एडिक्शन पावर बेटा, कॉजेज एडिक्शन and has serious side effects, serious side effects is called drug, side effect भी होते हैं, serious side effect होते हैं drug के तो बेटा, बहुत जबरदस्त side effect होते हैं drugs के बेटा, कुछ भी हो सकता है, even अगर drug ना मिले इतने और ड्रग ज़्यादा लेनी स्टार्ट करे कोई इंसान तो बेटा बॉडी का कोई ऑर्गन, किडनी होती है, हार्ट हो सकता है, फेल हो सकते हैं, मीन सीरियस साइड इफेक्ट होंगे या फिर अदर डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो मीन सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं उसके, तो दीज आर कॉल्ड ड्रग, ड्रग्स मीन अवेकोर पॉइंट्स, जनरली सिंपल वे से मैं आपको बताता हूँ, क्यों केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो कोई डिफरेंस नहीं है ड्रग और मेडिसिन में, फिर भी हमें कैसे बेटा, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हम माइनूट अमाउंट में लेते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में लेते हैं बेटा, तो मेडिसिन का काम करता है, बट अगर उसी केमिकल सब्सटेंस को हमने एक्सेस में ले लिया है, देन इट मे एक्ट एज ड्रग। अब स्लीपिंग पिल्स होती है, देखो स्लीपिंग पिल्स में क्या होता है भाई, अगर किसी को प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है बेटा, है ना, ओल्ड एज में तो आपने एक गोली दे दी है शाम को, वन टेबलेट हो गया, ठीक है, नींद आ गई, नो प्रॉब्लम, बट अगर कभी कभी ले ली कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसी को रेगुलरिटी बना दी है, उसके बगैर नींद नहीं आएगी, एडिक्शन पावर हो जाएगी उसकी, ओके। ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर दे कोई तो ड्रग का काम करेगा, वो ड्रग का काम करता है, इवन डेथ भी हो सकती है, कई बार आपस में लोग झगड़ लेते हैं घर में, और कई बार स्लीपिंग पिल्स रखी हो, मान लिया किसी को, किसी घर में किसी को दिक्कत हो, नींद नहीं आती हो, तो वो कोई इंसान क्या है कि गोलियां लेके खा जाएगा सब, प्रॉब्लम क्रिएटिंग, डेथ हो सकती है उससे, पॉइजन काम करेगा उसके लिए, तो दे हैव सीरियस साइड इफेक्ट, ज़्यादा अमाउंट में लेंगे
तो सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बेटा इनके, तो दिस इज ड्रग, ये ड्रग हो गए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये हमें डिस्कस करना है बेटा, हाउ वी कैन क्लासिफाई दीज ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेटा। बेटा ड्रग्स को हम डिफरेंट वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पॉसिबल, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की बेटा वी कैन क्लासिफाई ड्रग्स अकॉर्डिंग टू फोर कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और वी कैन से मेडिसिन, ठीक है, जनरली केमिस्ट्री में ड्रग ही ड्रग मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर क्लासिफिकेशन है। I am going to write all these one by one. First classification होगी बेटा on the basis of pharmacological effect, on the basis of pharmacological effect. बेटा दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर जनरली डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए मीन किस टाइप का इफेक्ट होगा किस मेडिसिन का, बेस्ड अपॉन दैट किस डिजीज में किस टाइप की मेडिसिन देनी है, तो उसका इफेक्ट किस डिजीज पर कैसा होगा, इस पॉइंट पर बेस होके हम यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं ड्रग्स को। सेकेंड टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन पर बेस्ड होके, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, किस ड्रग का किस मेडिसिन का कैसा एक्शन होगा भाई, ड्रग एक्शन पर बेस्ड होकर सपोज हमें एसिडिटी हो जाती है बेटा तो हमें क्या लेना चाहिए, एंटा एसिड लेना पड़ेगा उसके लिए, तो ड्रग एक्शन है वो कि वो उससे वो स्पेसिफिक डिजीज के लिए यूज होगा, स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम के लिए यूज होंगी वो, तो ड्रग एक्शन किस टाइप का एक्शन है ना, एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन हमारी बॉडी में हिस्टामिन अगर एक्सेस में हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ेगी, तो बेस्ड अपॉन दिस वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई ड्रग्स। ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन डिस्कस बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर भाई केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस होकर भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, क्यों हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं, किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी ड्रग की कि उनकी एक्टिव साइट्स पर जाके रिएक्शन कर सकते हैं, अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन दिस वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई दिस ड्रग्स, बेस्ड अपॉन और बेस्ड ऑन और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रग्स को। एंड लास्ट टाइप वी कैन डिस्कस बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, टारगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, मॉलिक्यूलर टारगेट्स पर बेस होके भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट डू मीन बाय ड्रग टारगेट्स, ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं बेटा, द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, दीज आर कॉल्ड ड्रग टारगेट्स बेटा, द बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेटा ये, और यू कैन से मैक्रोमोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स लाइक मैं आपको बोल रहा था अभी प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा, दीज आर बेटा कॉल्ड ड्रग टारगेट्स, ये ड्रग टारगेट्स होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। ओके बेटा,
ऑल दीज आर ड्रग टारगेट्स। ये ड्रग कई बार वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए मैक्रोमोलिक्यूल विच एक्स एस ड्रग टारगेट। क्या प्रोटीन लिख सकते हो आप, लिपिड्स लिख सकते हो आप, न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हैं आप। ऑल दीज आर ड्रग टारगेट्स, फोर टाइप के ड्रग टारगेट्स है बेटा विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ड्रग यहाँ पर टारगेट करेगी इनको एंड देन शो इट्स एक्शन, अपना एक्शन शो कर सकती है ड्रग बेटा। तो हमें यहाँ पर मेन पॉइंट अब क्या डिस्कस करना है, हमें यहीं पर डिस्कस करना कि ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन क्या होगा। व्हाट मीन बाय ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, हाउ ड्रग्स टारगेट टू द एंजाइम्स एंड टू द रिसेप्टर्स। यहाँ पर मेन जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन में, ये दो पॉइंट आएंगे। ओके, ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन आएगा बेटा और ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन भी आएगा। यहाँ पर हम दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिसेप्टर्स भी ड्रग टारगेट का काम एज ड्रग टारगेट हो सकते हैं और बेटा एंजाइम भी एज ड्रग टारगेट हो सकते हैं। ओके, तो ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन मेन पॉइंट पर आते हैं हम बेटा। ड्रग टारगेट इंटरैक्शन, ड्रग टारगेट इंटरैक्शन ये कैसे होगी, ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन कैसे शो कर सकते हैं बेटा। तो मैं अभी बोल रहा था कि देर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी विच शो डिफरेंट रोल्स, विच हैव डिफरेंट रोल्स इन द बॉडी। ओके, सेवन मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट और प्ले डिफरेंट रोल्स और सेवन रोल्स इन आवर बॉडी। Play several roles in our body. हमारी बॉडी में डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं अभी आपको प्रोटीन्स के बारे में बोलता हूँ। स्पोर्ट्स प्रोटीन्स भी डिफरेंट टाइप्स है प्रोटीन्स बेटा। प्रोटीन्स रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का भी काम कर सकते हैं। दो द प्रोटीन्स विच परफॉर्म The role of biological catalysts are called बेटा enzymes। उनको enzyme, हमने enzyme surface chemistry में discuss किया था बेटा enzymes। Enzyme क्या थे, protein जी थे। Generally मैंने कहा था globular enzymes are proteins। Globular enzymes भी जो proteins होते हैं two types के थे बेटा, fibrous and globular। जो globular proteins होते हैं these acts as enzymes होते हैं बेटा। Okay, अब जो enzymes हैं, these enzymes जो proteins हैं वही तो enzymes हैं ना बेटा, global proteins। तो द प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। द प्रोटीन्स दो तीन पॉइंट लिखता हूं इनके बारे में। द प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करेंगे आर कॉल्ड एंजाइम्स। इनको एंजाइम्स बोलते हैं बेटा। प्रोटीन रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं बेटा। अब देखो ये तो एंजाइम्स हो गए जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करेंगे, दीज आर कॉल्ड एंजाइम्स। उन प्रोटीन्स को एंजाइम्स बोलेंगे। बट द प्रोटीन्स विच आर वाइटल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी, कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड बेटा रिसेप्टर्स। उनको हम रिसेप्टर्स बोलेंगे। द प्रोटीन्स proteins, proteins के different roles हैं in the body, which are vital for communication, communication system, communication system में message transfer होगा from one body organ to another body organ, from one body part to another body part, okay? तो communication system के लिए जो important play, vital role play करें, which are vital for communication system in the body, are called receptors। वो receptors होते हैं बेटा। These proteins act as receptor, ये receptor का काम करते हैं बेटा, ऐसे proteins। Okay? Now, अब similarly, the proteins बेटा which carry the polar molecules across the cell membrane, cell membrane के across polar molecules को कैरी करके लेके जाए आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स।
ओके द प्रोटीन्स यू कैन से विच कैरी द पोलर मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे भाई, विच कैरी द पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द बॉडी, विच कैरी द पोलर मॉलिक्यूल्स बेटा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, इनको हम बोलेंगे बेटा दीज आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स, पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स, ये कैरियर प्रोटीन देखो मैं डिफरेंट रोल्स बताए मैंने आपको यहाँ पर प्रोटीन के, कि भाई प्रोटीन्स एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते हैं, प्रोटीन्स रिसेप्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, प्रोटीन्स बेटा जो होंगे जो कैरी करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दीज आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स ही बोल सकते हैं इनको हम डिफरेंट। इसी तरह बेटा न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेटा दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल, ओके मीन न्यूक्लिक एसिड का भी अपना अलग रोल है, सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंट्रैक्शन, और वी कैन से जेनेटिक मीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टाइप के हम सब्सटेंसेस को लोग वो क्या होते हैं बेटा दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल होंगे इन द बॉडी, ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या होते हैं सेल होते हैं भाई इन द सेल्स, न्यूक्लिक एसिड्स का फंक्शन है। इसी तरह बेटा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं बेटा दीज आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑफ द मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके स्ट्रक्चरल पार्ट में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट वी कैन से बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शन, प्रोटीन्स का बताया प्रोटीन्स बेटा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं जिनको एंजाइम बोलते हैं बेटा, प्रोटीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्पफुल हो सकते हैं इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं बेटा, प्रोटीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं कैरी करके लेके जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, दीज आर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं बेटा। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ड्रग टारगेट है सारे ये, ओके प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स क्या है ये सारे ड्रग टारगेट्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है बेटा, इसमें हेल्पफुल होते हैं मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, ओके सो दिस इज वी कैन से दीज आर द मेन ड्रग टारगेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी, ओके अब हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स हमें ये डिस्कस करना है, सबसे पहले हाउ एंजाइम्स एक्ट एज ड्रग टारगेट्स, तो एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स ये हमें डिस्कस करना है बेटा यहाँ पर, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स, enzymes as drug targets, how enzymes act as drug targets बेटा, तो enzymes as drug target भाई कैसे drug target की तरह behave कर सकते हैं enzymes,
बेटा यू नो वेरी वेल एंजाइम्स एक्ट एज कैटालिस्ट इन द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट वी कैन डिस्कस कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, हाउ एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन, कैसे रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे. और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा इसमें ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन. तो ये जो मेन पॉइंट्स, दो मेन पॉइंट हमें जो यहाँ पर डिस्कस करने हैं उसके बारे में आपको देखो कैसे क्या करते हैं यहाँ पर. कैटालिटिक एक्शन, यू नो हमने सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस किया था एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं बेटा ये, हमारी बॉडी में कैटालिस्ट काम करते हैं. कैसे, वन मोर पॉइंट बेटा, दीज एंजाइम्स आर शेप सेलेक्टिव इन नेचर, यस और नो, दे आर शेप सेलेक्टिव इन नेचर, यू नो दैट. मीन कैसे भाई, ओवर द सर्फेस ऑफ दीज एंजाइम्स कैविटीज आर देयर, हमने डिस्कस किया था सर्फेस केमिस्ट्री में भी, कैविटीज आर देयर. इन कैविटीज में क्या होगा, ओनली दोज सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स कैन एंटर, कैन एब्जॉर्ब इन दीज कैविटीज. कौन से सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स हूज साइजेस आर क्या होंगे, या द मॉलिक्यूल्स विच हैव देयर साइज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द कैविटी, या तो स्मॉल होगा साइज ऑफ कैविटी से उस मॉलिक्यूल का, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल मीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइज है जो कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द कैविटी, उसका कंपेरेबल होगा मीन उससे लेस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए. तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम अट्रैक्ट द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स, दीज सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ऑन द कैविटीज, है ना, सब्सट्रेट सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब ऑन द कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम. एंजाइम के सरफेस पर जो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं सब्सट्रेट मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होंगे बेटा, और क्या करेंगे, एंड फॉर्म डिफरेंट इंट्रैक्शंस, एंड फॉर्म डिफरेंट इंट्रैक्शंस बेटा, इंट्रैक्शंस इसके साथ विद एंजाइम्स. कैसे इंट्रैक्शंस भाई, लाइक वी कैन से बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं, है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बेटा इंट्रैक्शंस में बेटा, आयनिक इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की इंट्रैक्शंस पॉसिबल होंगी, डिफरेंट टाइप की इंट्रैक्शंस पॉसिबल होंगी बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेट मॉलिक्यूल. फिर क्या होगा भाई, ओके इंट्रैक्ट हो गए कैविटीज के अंदर, के ऊपर जो एंजाइम के सरफेस पर जो कैविटीज उनमें एब्जॉर्ब हो गई है डिफरेंट इंट्रैक्शन के थ्रू. उसके बाद क्या करेगा जो एंजाइम होता है बेटा, फिर दीज एंजाइम्स प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप टू द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए. ओके तो फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर, एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंजाइम प्रोवाइड करवाता है, एंजाइम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को. कैसे, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस ताकि केमिकल रिएक्शंस हो सके उनके बीच में. तो केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए जो एंजाइम्स है बेटा, दीज एंजाइम्स प्रोवाइड डिफरेंट सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं उनका, फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करेगा. ओके ओके यहाँ तक हो जाएगा फिर बेटा, चलो केमिकल रिएक्शन होगी सरफेस पर. फिर वो जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, कोई भी डिजीज हो सकता है, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनको एंजाइम कैटालाइज कर रहे थे, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, अब हम मेडिसिन लेंगे, कोई ड्रग लेंगे, तो क्या होगा, एंजाइम है, हमने ड्रग ली, इधर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है,
तो ड्रग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कॉम्पीट करेगी फॉर द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर. मीन ड्रग अगर पहले पहुंच रही अप टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर एंजाइम को अपना रोल प्ले करने से रोक देंगे उस रिएक्शन के लिए जो प्रॉब्लम थी. ओके तो एंजाइम उस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके तो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन डिस्कस करना है बेटा हमें यहाँ पर. तो ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड इनहिबिटर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स. द ड्रग्स विच इनहिबिट एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स. ड्रग तो है ही वो, आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स are called enzyme inhibitors. उनको enzyme inhibitors बोलते हैं बेटा, which inhibit the action of enzyme. Okay, are called enzyme inhibitors. बेटा अब ये enzyme inhibitors हैं, ये भी two types के होते हैं. How these drugs act as enzyme inhibitors? कैसे enzyme inhibitor की तरह काम करेंगी ये these drugs? कैसे भाई? जो drugs होती हैं, bind with the binding sites. ब्लॉक कर देंगे उसको. एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जो, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करेंगी, ब्लॉक द बाइंडिंग साइट्स एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग्स ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट्स. ओके तो देखो कैसे, हाउ वी कैन से कि भाई कोई आपसे पूछे कि हाउ दिस एंजाइम इनहिबिटर्स शो देयर फंक्शनिंग, कैसे वो अपनी फंक्शनिंग शो करेंगी, कैसे वो इनहिबिट करेंगी रिएक्शन को, कैसे वो एंजाइम इनहिबिटर का काम करेंगी. तो कैसे बेटा, हाउ दिस एंजाइम इनहिबिटर्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम और स्लो डाउन दिस प्रोसेस और दिस एक्टिविटी गिवन बाय द एंजाइम टू दैट रिएक्शन, उसको कैसे स्लो डाउन करेंगी जो एक्टिविटी दे रहा था ये, है ना, जो रेट इंक्रीज कर रहा था रिएक्शन का, हाउ कैसे स्लो डाउन करो. तो एंजाइम इनहिबिटर्स है बेटा, ब्लॉक द बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक करेंगी एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल टू दैट टू साइट्स. एंजाइम इनहिबिटर्स है जो बेटा, एंजाइम इनहिबिटर्स ब्लॉक द बाइंडिंग साइट्स of enzymes के जो binding sites हैं उनको block करेंगे and prevent the binding of the substrate to the active sites, और उसको prevent कर देंगे बेटा, and prevent the binding of the substrate molecule है जो, binding of the substrate To the active sites. पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बाइंडिंग हो रही थी उसको प्रिवेंट कर देंगे. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर उसके साथ एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं पहुंचेंगे, वहां पर ड्रग पहुंच जाएगी, खुद वहां पर बाइंड होगी, उसको ब्लॉक कर देगी, तो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी. पॉइंट आसन तो इस टाइप से ये अपना रोल प्ले करते हैं. नाउ जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं बेटा, दिस एंजाइम इनहिबिटर्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स के होते हैं बेटा. एंजाइम इनहिबिटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स. एंजाइम इनहिबिटर्स are divided in two types.
टू टाइप्स के होते हैं बेटा, ये कौन कौन से होंगे भाई, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। फर्स्ट क्या होंगे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, सेकंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। फर्स्ट इज कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, एंड सेकंड हम बोल सकते हैं बेटा यहां पर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, टू टाइप्स के होते हैं बेटा। कॉम्पिटेटिव कैसे भाई, एंजाइम है या एक्टिव साइट है एंजाइम के सरफेस पर, यहाँ पर ड्रग भी आ रही है और यहाँ पर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, तो कॉम्पिटेटिव मीन जो ड्रग्स भाई कॉम्पीट करें विद द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ दिस एंजाइम, उनको बोलेंगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पीट करके उसके साथ कॉम्पिटिशन करके सब्सट्रेट को वहां से रिमूव करेंगे, हटा देंगे और खुद लग जाएंगे वहां पर, उसी सेम बाइंडिंग साइट पर जाके लगेंगे जिस पर सब्सट्रेट लगना चाह रहा था, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हो गए बेटा। तो नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होंगे फिर, जो इनहिबिट तो करेंगे रिएक्शन को, ये भी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, बट उस बाइंडिंग साइट के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगी, किसी अदर साइट पर जाकर अटैच हो जाएंगी जिसको एलोस्टिक साइट बोलते हैं बेटा, और वहां पर अटैच होते ही जो कैविटी थी, जो एक्टिव साइट थी ओवर द सरफेस ऑफ एंजाइम, उसकी शेप स्लाइटली चेंज हो जाएगी और वो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वहां पर अटैच नहीं होंगे फिर, क्योंकि जो साइट थी जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो रहे थे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, ओके, और जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो ड्रग्स विच कॉम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट, नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर बाइंडिंग ऑन द एक्टिव साइट्स आर कॉल्ड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। ड्रग्स विच कॉम्पीट विद नेचुरल सबस्ट्रेट, नेचुरल सबस्ट्रेट जो है कॉम्पीट विद नेचुरल मीन जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसी को तो हम नेचुरल सबस्ट्रेट बोल रहे हैं बेटा, फॉर बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिव साइट्स, फॉर बाइंडिंग ऑन द एक्टिव साइट्स, नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग, किसके लिए कॉम्पीट करिए, बाइंडिंग के लिए, फॉर बाइंडिंग ऑन द एक्टिव साइट्स आर कॉल्ड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, उनको कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बोलेंगे। तो नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होंगे बेटा, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स, ड्रग्स विच डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होंगी, बट बाइंड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम, बट बाइंड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम, तो डिफरेंट साइट होती है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टिक साइट, एलोस्टिक साइट बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड एलोस्टिक साइट, ये एलोस्टिक साइट होती है, इस पर जाकर बाइंड होगी, इस पर साइट जाकर बाइंड होने से क्या होगा, रिजल्ट्स इन द स्लाइट चेंज ऑफ द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स रिजल्टिंग, इसके बाद यहां लिख देते हैं बेटा, रिजल्टिंग इन द लिटल चेंज और स्मॉल चेंज, रिजल्टिंग इन स्मॉल चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट बेटा, एक्टिव साइट्स की शेप में
थोड़ा सा चेंज कर देंगे एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है जो, ओके। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिर क्या होंगे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैनॉट रिकॉग्नाइज इट, ओके। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैनॉट रिकॉग्नाइज इट, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे इसकी तरफ, मॉलिक्यूल्स cannot recognize, इस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, cannot recognize it, तो ओके, तो these are called, these drugs are called non-competitive drugs और non-competitive inhibitors, इनको non-competitive inhibitors बोलेंगे बेटा। तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स थे, इस टाइप से इनहिबिट करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर है, ये एंजाइम स्पोज दिस, मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर, स्पोज दिस वन, है ना, ये स्पोज दिस, ये मैं बना दिया दिस एंजाइम, यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाएंगे, यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस साइड के अंदर, एक्टिव साइड के अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ गए। बट अगर हमने ड्रग लिया है, इनहिबिटर लिया है, क्या करेंगे, इस बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पर जाने के लिए ये ड्रग मॉलिक्यूल और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर दीज आर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है, दोनों के दोनों ही कॉम्पीट करेंगे फॉर दिस बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर इसके साथ, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पहुंचने से पहले ड्रग खुद पहुंच जाएगी यहां पर, इसको ब्लॉक कर देगी इस साइट को, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, रिएक्शन को इनहिबिट करेगी, एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करेगी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है बेटा, ये सपोज एंजाइम है, दिस इज, है ना, दिस इज एंजाइम, ये इसके सर्फेस पर कैविटी है, दिस इज, ओके, यहां पर कोई अनदर साइट होगी, this another site, this is active site, this is another site, this को allostric site बोल रहे थे बेटा, allostric site। अब क्या होगा कि जो drug है, this drug attaches to this allostric site, इस allostric site पर attach हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ जाएगी इसकी shape change हो जाएगी, शेप चेंज होने से क्या होगा, ये इसके अंदर जाते ही शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इस टाइप से, ये लो जी हमने शेप चेंज कर दी किसी टाइप से, ओके। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आना चाह रहे थे यहाँ पर, ये अब इस साइड के साथ अटैच नहीं होंगे, इसकी शेप चेंज हो गई स्लाइटली, इनहिबिट हो गए, अपने आप ही प्रोसेस इनहिबिट हो गया, बट नॉट बाय कॉम्पीटिंग विद द बाइंडिंग साइट, अदर साइट पर अटैच हुई है ये। तो वही लिखा है ड्रग्स विच डो नॉट बाइंड द एक्टिव साइट्स बट बाइंड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम, दीज डिफरेंट साइट क्या होती है, एलोस्टिक साइट होती है, रिजल्टिंग इन स्मॉल चेंज इन द साइज ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का इस शेप चेंज होगी स्लाइटली, एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैनॉट रिकॉग्नाइज इट, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इस एक्टिव साइट को, एंड हेंस सच टाइप ऑफ ड्रग्स और इनहिबिट कर देंगे, तो सच टाइप ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलेंगे बेटा। नाउ सेकेंड जो पॉइंट, मेन पॉइंट हमें डिस्कस करना, फर्स्ट हमने डिस्कस किया एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स कैसे हो सकते हैं बेटा, ड्रग टारगेट्स रिसेप्टर भी हो सकते हैं, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, हाउ दिस इज पॉसिबल, how receptors act as drug targets, receptors as drug targets, the receptor proteins hote hain beta, these are embedded in the cell membrane, ye dhyan rakhna, receptors as drug targets, receptors hote hain, receptors are embedded इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, ध्यान रखना ये सेल की मेम्ब्रेन में, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं बेटा। तो जो ड्रग, जो रिसेप्टर्स होते हैं,
इनमें भी क्या होती है, एक्टिव साइट होती है बट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, दी रिसेप्टर्स ऑल्सो पोजेस एक्टिव साइट्स, दीज रिसेप्टर्स पोजेस एक्टिव साइट्स ऑन द आउटर सर्फेस, आउटर सर्फेस पर एक्टिव साइट होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेस पर एक्टिव साइट्स होती है यहां पर भी। ओके, तो इस एक्टिव साइट के थ्रू ये अपना रोल प्ले करेंगे। ओके, आउटर सर्फेस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अब होगा क्या, यहां पर जो मैसेंजर होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, मैसेज जो ट्रांसफर होता है इन द बॉडी, द मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और वी कैन से न्यूरॉन्स एंड मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर कॉल्ड बेटा केमिकल मैसेंजर्स। तो हमें यहां पर जो पॉइंट डिस्कस करना है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं बेटा, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू ट्रांसफर मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, जो कम्युनिकेट करते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस विच कम्युनिकेट द मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, टू न्यूरॉन्स और इसके बीच में बेटा न्यूरॉन्स एंड मसल्स, न्यूरॉन्स एंड मसल के बीच में, और बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच कम्युनिकेट द मैसेज किस किस के बीच में, बिटवीन न्यूरॉन्स, बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में कम्युनिकेट करें, या फिर बेटा टू न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेट करें, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं बेटा। अब कैसे मैसेज ट्रांसफर होगा थ्रू दिस केमिकल सब्सटेंसेस, कैसे भैया, जब मैसेंजर्स हैं रीच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, पहले वहां पहुंचेंगे, फिर जो बाइंडिंग साइट होगी वो एकोमोडेट करेगी इन मैसेंजर्स को, वो मीन जो मैसेंजर्स हैं उस एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएंगे ऑन द एक्टिव साइट। ओके, जिसकी वजह से सेम है जो एक्टिव साइट पर स्लाइटली चेंज हो जाएगी, उसके बाद फिर मैसेंजर्स अपना मैसेज ट्रांसफर कर देगा उस एक्टिव साइट को, मैसेज ट्रांसफर करने के बाद वो वहां से डिपार्ट हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हुआ था जैसे, एड्सॉर्प्शन के बाद डिसॉर्प्शन होता है, वैसे ही यहां पर डिपार्ट हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा उनका, और उसके बाद जो है रिसेप्टर प्रोटीन है जो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस टाइप से मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म कंप्लीट होता है बेटा यहां पर। तो मैं थोड़ा सा सिंपल वे से बता देता हूं, तो केमिकल मैसेंजर्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कहा रीच करें और वी कैन से रीच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल मैसेंजर्स रीच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, वहां पर जाके वो अटैच हो जाते हैं उस साइट से, फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, दीज केमिकल मैसेंजर्स रीच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पर पहुंचेंगे। ओके, उसके बाद जो बाइंडिंग साइट है जो एकोमोडेट करेगी, टू एकोमोडेट द केमिकल मैसेंजर्स, शेप ऑफ जो बाइंडिंग साइट होगी स्लाइटली चेंज होगी बेटा। ओके, उसके बाद जैसे ही पहुंचेंगे, सो टू अकोमोडेट, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ फिर, टू अकोमोडेट
दीज केमिकल मैसेंजर्स द शेप ऑफ बाइंडिंग साइट चेंज इन स्लाइटली, थोड़ी सी चेंज होगी, चेंज इज स्लाइटली टू अकोमोडेट, टू रिकॉग्नाइज करने के लिए शेप होगी जो बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर की, वो थोड़ी सी चेंज होगी, चेंज इज स्लाइटली, ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर भाई जो मैसेंजर है ट्रांसफर मैसेज टू द सेल, वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो, एंड मैसेंजर ट्रांसफर मैसेज टू द सेल, सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को या फिर पर्टिकुलर सेल को मैसेज ट्रांसफर करेगा। मैसेज ट्रांसफर होने के बाद उसका कोई काम नहीं, वहां पर फिर क्या होगा, डिपार्ट हो जाएगा, ही डिपार्ट फ्रॉम द साइट ऑफ द सेल, देन क्या होगा, मैसेंजर departs from the site of the receptor. Receptor की साइट से depart हो जाएगा, okay? और site of the cell और receptor जो भी है, ठीक है ना, cell बोल दो चाहे आप, चाहे receptor बोल दो, ठीक है, site of the cell, simple. Now उसके बाद क्या होगा फिर बेटा, डिपार्ट हो गया तो फिर रिसेप्टर दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, देन रिसेप्टर प्रोटीन है जो रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल शेप। इसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर प्रोटीन, जो रिसेप्टर प्रोटीन है बेटा, रिसेप्टर प्रोटीन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो इन दिस वे मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड। केमिकल मैसेंजर जो प्रोटीन जी है वो रीच करेंगे, रीच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, ओके। जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, प्रोटीन होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं बेटा, और न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। केमिकल मैसेंजर्स क्या हो सकते हैं बेटा, दीज केमिकल मैसेंजर्स आर, व्हाट आर द केमिकल मैसेंजर्स, टू टाइप्स के होते हैं बेटा केमिकल मैसेंजर्स, फर्स्ट क्या हो सकता है बेटा, हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं बेटा, और सेकेंड क्या हो सकता है बेटा केमिकल मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, दीज आर बेटा केमिकल मैसेंजर्स। तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये रीच सबसे पहले पहुंचेंगे, रीच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर का प्रोटीन चाहिए, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर पहुंचेंगे, फिर जो बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर है उनको एकोमोडेट करेगी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होके, खुद चेंज होके, ताकि मैसेज एक्सेप्ट करें इनसे, फिर ये एकोमोडेट करते ही वहां पर अटैच हो जाएंगे बाइंडिंग साइट से, उसके बाद अपना मैसेज ट्रांसफर करेंगे टू द सेल, सेल को मैसेज देने के बाद दोबारा से डिपार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द साइट ऑफ द सेल, और दोबारा डिपार्ट होते ही प्रोटीन जो है, जो रिसेप्टर प्रोटीन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, इस टाइप से ड्रग अपना टारगेट कंप्लीट करती है, ड्रग और टारगेट का इंटरेक्शन होता है। पहले हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया बेटा, कीमोथेरेपी, देन ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस डिस्कस किया है बेटा, ठीक है, बोथ केमिकल सब्सटेंसेस, ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस कैन एक्ट एज ड्रग एज वेल एज मेडिसिन, बट डिपेंड है कि आप उसकी अमाउंट क्या ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ओके। देन बेटा हमने क्लासिफिकेशन, फोर टाइप की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ड्रग टारगेट इंटरेक्शन डिस्कस किया, फर्स्ट हमने एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स डिस्कस किए, एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं अपने सरफेस पर, कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, फिर वो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डोनेट करते हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करके डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को कम्प्लीट करने में हेल्प करते हैं, फिर बट अगर वहाँ पर हम ड्रग डाल देंगे उसके साथ तो ड्रग कैसे उसको रोकेगी, ओके, ड्रग उसके साथ कॉम्पीट करेगी एंड ताकि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करे, एंजाइम के साथ ड्रग खुद अटैच हो जाएगी, उसको इनहिबिट कर देगी, ड्रग इनहिबिटर्स हो जाएंगे वो, ओके। तो फिर वो इनहिबिटर्स जो एंजाइम इनहिबिटर्स हो जाएंगे, जो एंजाइम इनहिबिटर्स, फिर हमने टू टाइप्स के डिस्कस किए बेटा, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स।
फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पर रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, रिसेप्टर ये भी प्रोटीन ही होते हैं। ओके बेटा, ये कैसे? इन दिस वे कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हॉर्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये अपना मैसेज लेके जाएंगे, मैसेंजर है जो जैसे पोस्टमैन होता है वैसे ही बाइंडिंग साइट पर पहुंचेंगे, वो अपनी शेप चेंज करके उनको एक्सेप्ट करेगी, पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वहां पर मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसकी साइड से डिपार्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा से अपने ओजोन फॉर्म में आ जाएगा प्रोटीन। ओके, काम हो गया, दोबारा से ओजोन फॉर्म में आ गया है। सो इन दिस वे रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, ये भी कंप्लीट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अगेन आई वांट टू टेल यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव योर कॉमेंट्स। थैंक्स अ लॉट बेटा।